जय हिंद, हम है संतोष। तो पेट कैसे कम करिए, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, कहीं भी मिल जाते हो तो यही पूछते हैं, संतोष भैया हमको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, हमारा पेट कम हो जाए उतना ही सही, क्योंकि पेट निकलने से साला देखने में अच्छा नहीं लगता, ओवरऑल हमें बहुत बुरा लगता है, खुद में जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है सिर्फ पेटवा की वजह से। सबको बॉडी बिल्डर नहीं बना, लेकिन सबको फिट तो दिखना है, इस सही बात। और पेट निकलने वाला जो सिस्टम है, बच्चा बूढ़ा जवान सभी को हो गया है और सभी टेंशन में आ गए हैं। इस वीडियो में बताऊंगा आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका, अगर आप फॉलो करेंगे आप आसानी से अपना पेट कम कर लेंगे। सिर्फ आपको अपने रूटीन में ये चीजें डालनी है और आपका पेट कम होने से किसी का बाप रोक नहीं पाएगा, आप डे बाय डे फिट होते जाएंगे। और आप डेली अगर ये चीज करते रहेंगे, आप हमेशा फिट, एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे, और आपका पेटवा हमेशा फ्लैट दिखेगा, और आप हैंडसम और एक बवाल टाइप की पर्सनालिटी लेकर घूमते रहेंगे। तो टाइम पे शुरू करें, लेट्स डू इट। ले फिर आ गए, बहुत तगड़ी रूटीन है। आप सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिले, आप एक बार अपने कैलेंडर में देख लो कि कब हमको टाइम मिल रहा है, कब हम एकदम फ्री रहेंगे, कब हम कई लेंगे। उसमें आपको क्या करना है, रनिंग या वॉकिंग ऐड करनी है। सुबह हो सके तो सुबह, सुबह बहुत जबरदस्त होता है, खाली पेट तो ज्यादा ही फायदा होता है। शाम को भी कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कब ज्यादा फ्री रहते हो। सुबह पूरी दुनिया खा रही है, इंसान फ्री रहता है, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, जो 7 बजे उठते थे आप 6:30 बजे उठ दो, आधे घंटे का टाइम मिल जाएगा आराम से। 20 मिनट रनिंग करनी है, रनिंग का मतलब ये नहीं पूरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इतना तेज दौड़ेंगे कि सबका फाड़ के रख देंगे, नहीं मेरे भाई, आपको पेट कम करने के लिए दौड़ना है, अपने आपको फिट रखने के लिए दौड़ना है। तो बहुत ही नॉर्मल दौड़ दौड़नी है, स्लो, मतलब एक नॉर्मल जो कंट्रोल वे में दौड़ते हैं ना लोग, उसी तरीके से दौड़ने, ताकि आप 20 मिनट आसानी से दौड़ सको बिना कोई फर्क पड़े। तो इसे आप कंटिन्यू अपने डेली लाइफ में डाल ही दो। जैसे आप उठते हो, सुबह ब्रश करते हो, 2 नंबर जाते हो, खाना खाते हो, कपड़ा पहनते हो, इसे ये भी डाल दो कि दौड़ जो होता है ये भी लाइफ का एक हिस्सा है। रनिंग का मतलब ये है कि आप कहाँ रनिंग करना, जिम में जाके मशीन पर रनिंग कर सकते हो जो ट्रेडमिल होता है, या आप ग्राउंड में जा सकते हो, जहां भी आपको मन करे हुआ आप रनिंग कर सकते हो, रोड पे कर सकते हो, जहां भी आपको सही लगे, जहां भी आप कंफर्टेबल हुआ आप रनिंग कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे रनिंग करना है, कंट्रोल में करना है, और अपने आप को पूरा फील करना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मोटिवेशन के साथ दुनिया भूल जाओ, सिर्फ रनिंग पे ध्यान दो, बहुत फायदा करेगा। और अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो दूसरी की चीज है, बहुत ही तगड़ी चीज है, आप इसे कर सकते हो, वो है वॉकिंग। वॉकिंग बहुत ही पावरफुल चीज है, वॉकिंग अपने आप में एक मेडिटेशन है, वॉकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। तो वॉकिंग को भी आप फोकस कर सकते हो, अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, आप सुबह आधे घंटे वॉकिंग के लिए टाइम निकालो, टहलो, ठीक है, कहूँ ग्राउंड में चले जाओ और तगड़ा टहलो। वॉकिंग का मतलब ही नहीं फोन में बात कर रहे हो, वॉकिंग का मतलब ही नहीं कुछ बकवास सुन रहे हो, वॉकिंग मतलब ही नहीं दो लोग जुटे हुए और बकवास करते हुए वॉकिंग करो, इस सबसे फालतू गिरी है। अकेले वॉकिंग करना है और किसी से बात नहीं करनी जब तक हम पूरा अपना वॉकिंग का टारगेट जो आधे घंटे का है उसे हम कंप्लीट ना कर लें, उसके बीच में आप किसी से बात नहीं करेंगे। और कुछ लोग तो यही करते हैं यार, यूपी में कुछ लोग तो इंडिया में ही करते हैं, 5 किलोमीटर वॉकिंग करने जाते हैं, वहाँ पे साला दही जलेबी खा के चले जाते हैं, वहाँ पकौड़ा खा के चले जाते हैं, वहाँ पे चाय बिस्किट खा के चले जाता है। तो ये लंठाई आपको नहीं करनी है कि वॉकिंग करने के बाद आप कचरा खा के चले आओ, तो वॉकिंग करो, सीधा घर जाओ और कुछ हेल्दी खाओ, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। और आप टाइम निकाल सकते हो, दुनिया बहुत से लोग टाइम निकाल रहे हैं, तो तुम कौन सा चीज़ हो जो इतना ज़्यादा बिजी हो। बड़े बड़े धनी लोग जो दुनिया भर में बिजी रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, वो जो देश चला रहे हैं वो इतने बिजी रहते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो तुम का कर रहे हो, बहुत बड़ा तीर मार रहे हो का, जो आप टाइम नहीं निकाल सकते, काम चोर हो। ईमान लो, अगर आप काम चोर नहीं हो, कल सुबह से तुम रनिंग स्टार्ट कर दोगे, कल सुबह से ही तुम वॉकिंग स्टार्ट कर दोगे। वॉकिंग रनिंग के तुरंत ही बात जोन करनी है, वो है भैया प्लैंक एक्सरसाइज। प्लैंक क्या होता है, प्लैंक किस तरीके से क्या होता है, पहले आप ऐसे पुशअप पोजीशन में आ जाइए, उसके बाद अपने हाथों को मोड़ के कोहनी पे पूरा जो है लोड आपके बॉडी का रख दीजिए। एक सीधी लाइन बनाइए, ऐसे जैसे हम बना रहे हैं, सीधी लाइन बना लीजिए, उसके बाद सामने देखिए, एक सीधी लाइन बना के सामने देखिए, और कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमें 1.5 मिनट तक टिके रहना है, 2 मिनट तक टिके रहना है। अपने आप को आजमाओ बे कि यार 2 मिनट टिकेंगे, आज 3 मिनट प्लैंक करेंगे, आज 4 मिनट प्लैंक करेंगे, टिके ही रहेंगे। और ओवरऑल बॉडी का फैट बर्न करने में हेल्प करेगा, कैलोरीज बर्न करने में ये प्लैंक को हेल्प करेगा। रनिंग या वॉकिंग के तुरंत बाद आप 1 या 2 सेट कर सकते हो, आप जितना भी टिकने का प्रयास करो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कोशिश करो डे बाय डे टाइम यहाँ बढ़ाते जाओ और अपने आप को फिट बनाते जाओ। पहले आप रनिंग वॉकिंग में से कोनो एक किया, उसके बाद आपने 2 से 3 सेट कर लिया प्लैंक, उसके बाद तुरंत ही आपको करना है क्लाइंबर। क्लाइंबर बहुत तगड़ी एक्सरसाइज होती है, ओवरऑल बॉडी का फैट काटने के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए, उसके साथ साथ आपका कोर मसल बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगा, ओवरऑल बॉडी का फैट कम करने में हेल्प करेगा, और आपका पेटवा कम करने में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि पूरे बॉडी काम करे तो पेट ऑटोमेटिक कम करे। कैसे करना है इसको, पुशअप पोजीशन पहले आ जाओ, पुशअप पोजीशन में आ गए, उसके बाद करना, जैसे कहूँ चढ़ ही रहे हैं ऐसे ऐसे करके हमें
एक क्लाइंबर करना है, तो इस तरीके से आप क्लाइंबर करेंगे। लेकिन इस पोजीशन में क्या करना है आपको, आपको झंडपना तरीके से नहीं करना है, आपको उल्टा सीधा तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी पूरी सीधी लाइन बनाइए, पेट को टाइट रखिए, कंट्रोल रखिए, सीधा देखते रहिए, सामने देखते रहिए और धड़ाधड़ चढ़ते रहिए, धड़ाधड़ चढ़ते रहिए, क्लाइंबर करते रहिए। एक बार हम 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500 जितना हो सके एक बार में कर दो। इसको लगाना है 3 सेट। ओवरऑल बॉडी को फैट कम करने में बहुत तगड़ी एक्सरसाइज। उसके बाद जो एक्सरसाइज है बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है हमारे कोर मसल को, जो पूरा ओवरऑल यहाँ पे फैट जमा होता है। कुछ लोग पतले होते हैं तभी पेट निकला होता है, मोटे तो पेट निकला ही होता है। तो उसके लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है हाई नीज। लेकिन क्या करना है, अपने हाथों के पीछे इसे दाब लेना है, हाथों को पीछे कर लेना है। उसके बाद आपको हाई नीज करनी है, धड़ाधड़ मारते रहना है। इस तरीके से करेंगे आपके पूरे ओवरऑल पेट मसल पे काम करेगा, कोर मसल को मजबूत करेगा, ओवरऑल आपके बॉडी को फैट तो कम करेगा ही लेकिन आपको फिट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको कोर मसल जब स्ट्रांग होगा ना, आप देखेंगे डे बाय डे आप फिट होते जाएंगे, तगड़े होते जाएंगे। 3 सेट इसको लगाना है, बस 3 सेट। और आपने 20 मिनट कर लिया रनिंग, और 5 से 10 मिनट आपका जाएगा प्लैंक में, 5 मिनट आपका जाएगा भैया क्लाइंबर करने में, और 5 से 10 मिनट जाएगा आपका ये कई हाई नीच करने में। तो लगभग 40-45 मिनट का आपका एक्सरसाइज हो। और अगर आप डेली 40-45 मिनट आप निकाल रहे हैं तो पेट कम करने से किसी का बाप आपको रोक नहीं पाएगा। तुम ही रोके थे, तुम ही लंठे में पड़े थे, तुम ही अंडबंड तरीके में पड़े थे, इसलिए तुम्हारा पेट कम नहीं हो रहा था। सुबेरे दोपहर शाम कभी भी आपने क्या निकाला, 40 मिनट टाइम निकाला, एक्सरसाइज आपने कर ली, आपने सोच लिया हमारा पेट कम हो जाएगा। अभी सिर्फ एक्सरसाइजेस थोड़ी होगा, उसके साथ डायरी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइक कितनी भी तगड़ी हो जाए उसका तेल कैसा है, उसका सर्विसिंग कैसा है, ये बहुत जरूरी होगा। उसके लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, सही डाइट, कीटो डाइट, आर्मी डाइट, निपोरा डाइट, बाइस डाइट, बहुत तरीके की डाइट है। लेकिन मैं ये सब डाइट पर फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक आम इंसान इस डाइट पर फोकस नहीं कर पाएगा, इस डाइट फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत झाम महसूस होगा। तो झामबाजी को हटाते हैं, आप सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करो कि हमें बाहर का अंड बंड कचर पट्टी खाना ही नहीं है। कचर पट्टी में क्या आता है बे, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, समोसा, जलेबी, आड़ा बाड़ा, मैदे वाली चीज, ये फालतू वाली चीज जो हम लोग खा रहे हैं। इससे क्या होता है ना, अनजाने हम लोग बहुत ओवर कैलोरीज ले लेते हैं, बहुत गंदे तरीके कार्ब लेते हैं, बहुत गंदे तरीके फैट लेते हैं, जिससे क्या होता है ना, पेट निकल जाता है। और आप डे बाय डे सोचते हो कि साला हम ज्यादा खा ही नहीं रहे हैं, दिन भर में कई बार खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा पेट निकला। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो बाहर का जो कचरा पट्टी उसको साफ करो, और घर पर जो खाना उसको खाना स्टार्ट करो। उसके साथ साथ क्या, ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, ज्यादा तेल वाली चीजें नहीं खानी, कोशिश करना जिसमें बहुत ज्यादा हूल के रेल के तेल डाला हो उसको नहीं खाना है। थोड़ा प्रोटीन फोकस करना, प्रोटीन क्या ना, चना आ गया, दूध आ गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये आपका मूंगफली हो गया, और आपका वे प्रोटीन होगा, जो भी आपको मन हो, लेकिन प्रोटीन वाली चीजें अपने डाइट में ऐड करो, ताकि हमें प्रोटीन मिलता रहे और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फायदा मिलता रहे, बॉडी की रिकवरी होती रहे मेरे भाई। तो सिर्फ डाइट और वर्कआउट, उसके साथ साथ क्या करना है, रात में जब लेट रहे हो फालतू में चैटबाजी, फालतू में उल्टा सीधा वीडियोबाजी चक्कर नहीं पड़ना है, टाइम से सो ही जाना है, ताकि जो मेहनतवा किए हो, जो डाइटिया लिए, उसका फायदा मिल सके, रिकवरी हो सके और हमारा पेट कम हो सके। सिर्फ इस सिंपल सा ट्रिक है जो हर एक इंसान, दुनिया का हर एक इंसान बहुत ही कम पैसे में अपने आप को फिट बना सकता है, अपने आप को हिट बना सकता है, हैंडसम दिख सकता है। बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर आपको नहीं बनना है, लेकिन आपको फिट तो रहना ही है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे, जो भी आप काम करो उसमें आपको फायदा मिल सके। और मेरे भाई, अगर आपको अपने लिए वर्कआउट प्लान या डाइट प्लान चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा देसी जिम फिटनेस टीम का, हमारी टीम का। आपको सिर्फ 199 रुपया में ही डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान दे दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट करो या व्हाट्सएप करो अपन, और आप अपना डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बवाल मचा दो। लव यू।